मुंबई स्थित चरनी रोड के विल्सन स्कूल में राजस्थानी कार्निवाल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह प्रोग्राम नारी के सम्मान में नारी शक्ति नई उड़ान को लेकर हुआ। मंजू लोढ़ा, सिमरन आहूजा, सारिका जैन, IAS ऑफिसर और भी कई नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं, जिसमें रूमा देवी, फैशन डिजाइनर और विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा आमंत्रित किए गए थे। यह प्रोग्राम नारी शक्ति को लेकर किया गया, जिसमें रूमा देवी ने महिला शक्ति को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती नजर आई और मौजूद सभी अतिथियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। नारी शक्ति नई उड़ान बहुत ही अच्छी टैगलाइन है और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। जो अभी विकलांग में उनको सम्मानित किया है तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि ये उनको हौसला बढ़ता है और उनको जो देख के जो ये निश्चित कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख के वो जरूर ये सोचेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम जो भी होते हैं ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोगों को प्रेरणा मिलती है कुछ करने की। जिन्होंने अपनी अपनी स्टोरी बताई, उनसे जो महिलाएं यहाँ पे सुन रही थी उनको लगता है कि हम भी कहीं कहीं कुछ करेंगे जाके। पैसे तो घर में है, लेकिन वो खुद एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हम घर में बैठे पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाले, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपन करेंगे तो उनकी दुआएं हैं जो हमारे साथ में रहेगी। तो ये उषा जी ने और मंजू जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पे महिलाओं को आगे लाने की पहल की है। ये बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इनके, और एक अच्छी सोच के साथ में और आगे अच्छा काम करते रहे। तो वहाँ जाना हमारा फर्ज है, क्योंकि आज मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे नहीं पता कि ये कार्यक्रम कैसा हो रहा है। आज यहाँ पे लोगों से मिल के बहुत कुछ हुई, मुझे कुछ सीखने को मिला तो इन लोगों को भी कुछ सीखने को मिला। और राजस्थानी ड्रेस में सजे सजे यहाँ पे बॉम्बे में ऐसा लग रहा था कि पूरा राजस्थान है यहाँ पे। वैसे तो काफी सारी महिलाएं हैं जो अपने आप में बहुत ही बड़ी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आज तो मैं मंजू जी से बहुत खुश ये कार्यक्रम जब हाथ में लिया करने का, एक खाली एक एग्जीबिशन टाइप करने की सोची थी, फिर मुझे जो प्रेरणा मिली कि इन लोगों का मुलाकात करना, तो मैं घर घर उनकी जो भी फिजिकली चैलेंज है उनके घर पे गई, इंटरव्यू लिया। ऐसे लगा कि मैं इनको कैसे भी मंच पे लाएं, और ये लोग कोई भी आना नहीं चाह रहे थे, पर उनको मैंने कन्विंस किया, उनका वीडियो लिया, उनको प्रोत्साहित किया। मैंने कि आप आओगी तो चार लोगों को प्रोत्साहित होंगी जो नहीं कर पा रहे, तो उनको लाने की पूरी कोशिश की। तो आज मेरे रूमा जी आने के बाद और चार चांद लग गए प्रोग्राम के, सारे लोगों ने, मैं सुबह से देख रही हूँ कि माहौल इतना अच्छा बन गया, और शाम का कार्यक्रम का उससे भी अच्छा बन गया। और इनका पूरा पूरा धन्यवाद देती हूँ रूमा जी को, मंजू जी को, जो हमेशा सपोर्ट किया। रूमा जी का तो मेरा बहुत बड़ा सरप्राइज था कि वो आएंगी, मैंने इनका परमिशन लिया बैनर लगाने के लिए, परमिशन लिया इनके पोस्टर्स करने के लिए। मेरे को डर थी कि कहीं ये गुस्सा हो जाएंगे, पर मेरे आप बहुत साथ देके खूब खूब धन्यवाद करते हैं। मैम, ये प्रोग्राम कितने सालों से, मतलब जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं, और इसका नाम है नारी शक्ति नई उड़ान। ये नारी शक्ति नई उड़ान, ये नाम आपने कहाँ से, क्या सोच के? ये मैंने खुद अपने गांव के लेडीजों को देखा कि पूरी जिंदगी उनकी सब इन लॉज के लिए, पियर वालों के लिए, सबके लिए कर रही हैं, क्यों ना मैं कुछ। मैं काफ़ी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, तो संस्था से मैंने जो सीखा है तो मैं इनको प्लेटफॉर्म दूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, उनकी खूबियों को बाहर लाऊँ। नारी शक्ति नई उड़ान 3 साल हो गए खोल के, मेरी खुद की सांचोर की ग्रुप है, बाकी बाहर के नहीं हैं, और 45+ की लेडीज़ है, अच्छे से एक्टिव हो गई है कि अभी जब भी प्रोग्राम के तत्पर रहती है कि अगला प्रोग्राम क्या होगा। तो ये हर साल के 3 प्रोग्राम बड़ा लिया मैंने, पहले इनको भाषण प्रतियोगिता सिखाया फर्स्ट प्रोग्राम में, सेकंड प्रोग्राम में हमारे गीतों का कार्यक्रम रख के उनको सिखाया, ये 3रा प्रोग्राम, ये मेरा सपना पूरा हो गया आज का कार्निवल का। ये पहली बार हुआ है ये कार्यक्रम, हम लोगों आज 9 जनों का सम्मान किया है,
ये हैं फिजिकल चैलेंज वालों को, बाकी डोनर्स का। और सुबह में सारिका जी आई थी, इनकम टैक्स डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर है, और सेलिब्रिटी होस्ट आई थी सिमरन आहूजा, मंजू जी भी सुबह भी पधारी हैं, और कुल मिला के 15-20 जन का यहाँ पे स्वागत हो चुका है, उनका सम्मान हो चुका है। और सबसे बड़ी खुशी बात हुई कि मैं रूमा जी का सम्मान मैंने मेरे हाथों से किया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत इस चीज़ के लिए बधाई देती हूँ और इनकी सारी टीम का अभिनंदन करती हूँ कि हमारी जो महिलाएं कि अक्सर हमारी घूंघट में ही छिपी रहती थी, आज उस घूंघट में छिपी रूढ़िवादिता का स्थान आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की रोशनी ने ले लिया। वैसे महादेवी वर्मा ने कभी कहा था कि विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होगा, लेकिन आज की इन सब नारियों को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि विस्तृत नभ का कोना कोना तो मेरा अपना होगा, और ये इन नारियों ने आज ये सिद्ध कर दिया। और उषा जी को मैं हमेशा बोलती हूँ आप खूब आगे बढ़ो, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, बस अपने टैलेंट को छुपाओ मत और इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, और एक नारी ही एक नारी को आगे बढ़ा सकती है, तो ये कोशिश इनकी बहुत अच्छी है।